लगातार 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूँ रवीश पाल सिंह। कांग्रेस के महासचिव वेणुगोपाल ने प्रदेश कांग्रेस यानी मध्य प्रदेश कांग्रेस को पत्र लिख जन जागरण अभियान की समीक्षा के लिए कहा है। दरअसल कांग्रेस इस बार 2023 विधानसभा चुनाव से पहले पूरे मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में पहुंचकर अपने सदस्यता अभियान को जोर देने में लगी हुई है। लेकिन वेणुगोपाल ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें कांग्रेस यानी मध्य प्रदेश कांग्रेस से ये सवाल पूछे गए हैं कि करीब 1.5 महीने पहले जो जन जागरण अभियान शुरू किया गया था, जिसके जरिए बेरोजगारी हो, महंगाई हो या फिर दूसरे तमाम मुद्दे हो, भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार को घेरने के लिए, उसे लेकर के जन जागरण यात्रा कितने जिलों तक पहुंची है, कितना उसमें काम हुआ है, कितने नए सदस्य कांग्रेस ने जोड़े हैं, ये तमाम बातें पूछी गई है पत्र के जरिए। और इसीलिए क्योंकि 9 जनवरी को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक होनी है जन जागरण अभियान को लेकर की, तो इसी जन जागरण यात्रा को लेकर के जो बैठक होनी है उससे ठीक पहले ये पत्र लिखा गया है वेणुगोपाल की तरफ से। अब प्रदेश कांग्रेस की अगर हम बात करें तो पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा, उनसे हमने बात की है, उन्होंने बकायदा इस बात की पुष्टि भी की है चिट्ठी की, और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जन जागरण को लेकर के क्या प्रयास अब तक कांग्रेस ने किए हैं, कितने जिलों तक ये यात्रा पहुंची थी, कितने नए सदस्य जुड़े हैं, ये तमाम जानकारियां जुटाई जा रही है। पीसी शर्मा के मुताबिक मिस्ड कॉल के जरिए लाखों लोग अब तक जुड़े हैं कांग्रेस के जरिए, लेकिन अधिकृत तौर पे ये आंकड़ा कितना है ये तभी पता चल पाएगा जब सभी जिलों से बाकायदा जो रिपोर्ट है वो पीसीसी दफ्तर पहुंचाई जाएगी, क्योंकि ये रिपोर्ट इसलिए जरूरी है 9 जनवरी को ये बैठक होनी है। हालांकि पहले ये बैठक दिल्ली में तय थी, लेकिन जिस तेजी से देश में कोरोना के मामले बढ़े हैं, खासतौर से देश की राजधानी दिल्ली में, उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि ये बैठक वर्चुअली होगी, यानी कांग्रेस के जो संगठन के नेता हैं मध्य प्रदेश से वो इस बैठक में जुड़ेंगे जरूर, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। लेकिन जो आंकड़े हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की क्या तैयारी है 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर के, इस पर भी बात होगी। महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के जो जागरण यात्रा है, जन जागरण यात्रा, वो कहां तक पहुंची है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 52 जिलों तक इन यात्रा को पहुंचना था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। कांग्रेस कहीं ना कहीं 52 जिलों तक पहुंच नहीं पाई है, ये एक बड़ी समस्या है कांग्रेस के सामने। और इसीलिए अभी तक जो कुछ भी कांग्रेस ने हासिल किया है बीते 1.5 महीनों में, उन तमाम बातों की जो रिपोर्ट है वो तैयार करने में फिलहाल पीसीसी जुट गई है।